हालेलुया, प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से सभी को जय सिंह। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से आज सीखने के लिए शिष्य बनना, पोस्टल प्रॉफिट पास्टर मैनेजर से पहले शिष्य बनना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे लूका के सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 23 आयत, प्लीज जल्दी पढ़े। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। हालेलुया, इस जगह के ऊपर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, पहली बात अपने आप से इनकार करना। दूसरी बात, इनकार करने का मतलब है कि अपने आप से इनकार करना, अपने मन को निकालना, अपने अपने मैं को निकालना। हम कुछ नहीं है विदाउट जीसस क्राइस्ट, यीशु के बिना कुछ नहीं है। अपने आप का इनकार करना, दूसरी बात अपने क्रूस को उठाना, यानी कि क्रूस शराब को दर्शाता है, क्रूस निंदा को दर्शाता है, क्रूस परेशानियों को दर्शाता है, क्रूस दुख को दर्शाता है, ये बातों को उठाना। लेकिन आज के समय में बहुत सारे पास्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को बाबा बना दिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं 7 हफ्ते 7 एतवार चर्च आना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये करना है। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को बाबा समझ रखा है। बहुत सारे लोग कहते हैं 1 लाख का चेक आ रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। लेकिन बाइबल बताती है ये सब कुछ होने से पहले शिष्य बनना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, जब हम शिष्य बनेंगे, जब हम चेला बनेंगे, ये सारी बातें हमारी जिंदगी में आएंगी। सबसे पहले अपने आप को यीशु का चेला बनाना है, यीशु से सीखने की जरूरत है। जो चेला है वो डेडिकेट होगा, समर्पित होगा। जो चेला है वो नया जन्म पाया, बाइबल बताती चेला शिष्य नया जन्म पाया होना चाहिए। अपने पापों को छोड़ने की जरूरत है, अपने आप को त्यागने की जरूरत है, एक नया जीवन, एक नया जन्म पाने की जरूरत है। फिर हम शिष्य बनेंगे, फिर हमारे ऊपर ये गुलाहटें, ये कॉलिंग्स फिर हमारे ऊपर आएंगे। बाइबल बताती है जितने 12 चेले यीशु मसीह के साथ थे, 12 के 12 ही चेले थे, वो पास्टर अपोस्टल प्रॉफिट कुछ नहीं थे, चेले थे। और उसके बाद सबसे जरूरी बात चेला बनना है। परमेश्वर का दास पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह था, प्रभु यीशु मसीह के समय यीशु मसीह में के साथ जो 12 चेले रहते थे वो चेले थे, वो एक शिष्य थे। उसके बाद परमेश्वर ने, खुदा ने अपने दास संत पौलुस के ऊपर, प्रेरित पौल के ऊपर, अपोस्टल पौल के ऊपर परमेश्वर ने ये बात को प्रकट किया, 5 प्रकार की सेवकाई। हालेलुया, वो 5 प्रकार की सेवकाई से पहले शिष्य बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रियो, आज जरूरत है शिष्य बनने की, अपने अपने अबू के शिष्य बने, प्रभु यीशु के शिष्य बने, दास बनने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है जो अपने आप को गुरु बनाना चाहता है पहले दास बने, जो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना चाहता है पहले दास बने। दास का काम एक नया जन्म पाना है, दास का काम अपनी क्रूस को उठाना है, दास का काम परमेश्वर राजा होते हुए भी, वह धनी होते हुए भी, वह परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को दास किया, अपने आप को नम्र किया, धनी होते हुए भी अपने आप को कंगाल कर दिया। जैसे जैसा गुरु वैसा चेला, और हमारा गुरु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अधीन किया, हमें भी जरूरत है। हमें यीशु मसीह ने अपना क्रूस को उठाया, हमें भी जरूरत है क्रूस को उठाने की। चंगाइयों चमत्कारों के पीछे मत भागे, क्रूस को उठाए, यीशु के पीछे चले। बाइबल में लिखा है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। हालेलुया, परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।